उन सभी बच्चों को मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ जिन लोगों ने 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म किया है, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि यस, अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं उन सभी को भी बहुत सारी बधाई देती हूँ जिन्होंने कम स्कोर किया है। कम स्कोर मतलब कि हाँ, पास हो गए, 10th और 12th कर लिया पास। चाहे अच्छा आए रिज़ल्ट, चाहे बुरा रिज़ल्ट आए, जो भी बच्चे होते हैं ना, जो अपीयर करते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ना बस एक फैंटेसी वाली लाइफ चल रही होती है कि बस यार कर दिया हमने 10th और 12th को पास करना, सबके बस की बात है क्या? पढ़ के देखो, फेल हो जाते हैं लोग तो। बट और लोग जो अपने अंदर एक हिडन पर्सपेक्टिव रखते हैं, छुपे हुए से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं कि यार करके तो पूरा 99 का आए थे, ये कैसे 80 मार्क्स आ गए, मैंने तो अच्छा स्कोर करना था पर ये मेरे कम कैसे आ गए, तो वो अपना क्या करते हैं, वापस से पेपर के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपना पेपर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना एक अंदर से तसल्ली नहीं होती है कि हमने अच्छा किया था तो हमारे मार्क्स कहाँ गए, चाहे वो 15% काट दिए, चाहे वो 10% काट दिए। उनको एक प्रॉब्लम होती है अंदर ही अंदर, वो एंजाइटी डेवलप करने लग जाते हैं कि करा हमने, अच्छी मेहनत करी थी कि पर कहाँ रह गए। और कुछ लोग क्या होते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं बाहर, कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा पेपर गया, मैंने तो एक भी नहीं छोड़ा, हर कुछ अटैम्प्ट करके आया। और जब रिज़ल्ट आता है तो बोलते हैं कि यार क्या 60% आए, ऐसे कैसे हो गया यार। अरे पर कोई बात नहीं यार, पेपर ही ऐसा था, टीचर की गलती है, उसने अच्छे से मुझे ना मार्क्स नहीं दिए। चिढ़ती है मुझसे, जब भी देखो क्लास में ना चिढ़ती रहती थी मुझसे, मुझे पता था ये मेरे साथ ऐसे ही करेगी। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है ना मैंने 70% का किया है, इसने मुझे 60% जानबूझ के दिए। तो पता है बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है अपने अपने नज़रिए को बदलने का। जो लोग हमारे प्रति क्या सोच रखते हैं ना, वो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम दूसरों के प्रति क्या सोच रखते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे पूरे लाइफ स्टाइल पर। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज का विषय भी त्राटक ही है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज त्राटक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनका कंसंट्रेशन एक सब्जेक्ट पर तो क्या दूसरे सब्जेक्ट पर भी नहीं बन पाता। जो वो याद रखते हैं उनकी मेमोरी में रिकॉल ही नहीं होता, रिट्रीव नहीं कर पाते हैं अपनी मेमोरी को, बार बार उनको फोकस करना पड़ता है, हर वर्ड्स को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। और बहुत से बच्चे क्या होता है, पढ़ते अच्छे से है, रट्टाफिकेशन अच्छा लगाते हैं, इनफैक्ट पूरी की पूरी बुक पढ़ डालते हैं, बट ज़रा सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के दे दो तो उनको ये नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, उनके अंदर एक इस तरीके का ईगो रहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं पूरा चैप्टर ना उंगलियों में रखता हूँ, उंगलियों में, कुछ भी आ जाए सब कुछ अटैम्प्ट करके आऊँगा। पर जब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ जाता है तो वहीं पर ही उनकी फिर हालत ख़राब हो जाती है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो पूरी बुक में था ही नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपकी लर्निंग कितनी एडवांस है और कितनी इफ़ेक्टिव है। तभी तो आजकल के बच्चे जब स्कूल में भी पढ़ते हैं, देखिए हमारे टाइम पे तो इतना एडवांस नहीं था, डिजिटली इतना एडवांस टाइम नहीं था कि हर चीज़ हम गूगल करें, सर्च करें और सारा डाटा हमारे सामने आ जाए, हमें बुक्स में से खुद ही पढ़ के नोट्स वगैरह सब बनाने पड़ते थे। आज के टाइम पे ठीक है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, एजुकेशन आसान नहीं है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, उसको इतना अच्छा पढ़ें कि जब भी आप उसको रिकॉल करें तो आपको सब कुछ याद रहे। आज बात करेंगे कि त्राटक स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी होता है, कैसे हर कोई जो त्राटक करता है बच्चा वो कितना अच्छा स्कोर करता है और कितनी उसकी मेमोरी एडवांस लेवल पर काम करती है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी होती है, उसकी इंट्यूशन कितनी अच्छी होती है, उसकी सिक्स सेंस कितनी अच्छी होती है। ये वही बच्चे बता सकते हैं, इस वीडियो को वही बच्चे समझ सकते हैं जो त्राटक करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को त्राटक पता ही नहीं वो बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रही है मैडम, हमें तो पता ही नहीं त्राटक क्या होता है। उनके लिए उनकी फैंटेसी वाली लाइफ ही अच्छी होती है, वो घूमना फिरना, कॉलेज में मस्ती, ये सब जाना बाहर घूमना, बस एक ट्रिप मारो और ज़िंदगी बदल जाती है। बट जो लोग त्राटक करते हैं और त्राटक के बाद अपने एग्ज़ाम को स्कोर करते हैं या फिर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके साथ जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स को त्राटक कैसे करना है आज मैं वो बताऊंगी। उन बच्चों के लिए सच में एक रेमेडी होगी मेरी ये वीडियो, अगर वो सही तरीके से समझ सकते हैं। और अगर फिर भी अगर लगता है आपको कि कुछ आपको ज़रूरत है सही गाइडेंस की, सही टेक्निक को समझने की, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मैं नंबर शेयर कर दूँगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरी पेड क्लासेस ले सकते हैं।
तो बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे त्राटक करना चाहिए। देखिए, त्राटक जितना इफेक्टिव है ना, उतना ही आसान नहीं है। बट अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ त्राटक करते हैं तो वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। मैंने खुद प्रैक्टिकल अनुभव देखे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस को देखा है, लोगों के लाइफ स्टाइल को मैंने बदलता हुआ देखा है, उनकी सोच को मैंने बदलता हुआ देखा है। जिस तरीके से हम अपने कपड़े बदलते हैं ना, मंडे को ये पहनेंगे, ट्यूसडे को ये पहनेंगे, वेडनेसडे को ये पहनेंगे, कल ये खाएंगे, परसों ये खाएंगे, उस तरीके से त्राटक से मैंने जीवन को बदलता हुआ देखा है। बेहतर यही होगा कि अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाऊं। ये देखिए, ये A4 शीट है। मैंने आपको बहुत ही, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनको आसानी से समझ में आएगा कि आखिर त्राटक क्या है। बेसिकली त्राटक है किसी चीज़ को गेज करना, टकटकी लगा के स्टेयर करना, देखते रहना, कंटिन्यूसली देखते रहना, जब तक कि आपकी भ्रुटिका यानी कि आज्ञा चक्र पर सेंसेशन ना हो। यहाँ से आपको इसको किसी ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि आपका वन हैंड का डिस्टेंस हो और ये सिर्फ आपको दिखाई दे। मैंने इसलिए आपको पॉइंट आउट करके बताया, ये जो सर्कल है ये कम्प्लीटली ब्लैक होगा। आप इसको ब्लैक करिएगा, पूरा इसको अच्छे से ब्लैक कर लेना। मैं समझाने के लिए आपको क्लासेस इस तरीके से वीडियो में, कि आपको क्लियर हो कि मैं आपको क्या नॉलेज देना चाहती हूँ, वो आपको समझ में आ जाए। जिस तरीके से हमने किसी चीज़ को हम देखते हैं, स्टेयर करते हैं, जो सबसे पहला काले रंग पे कलर निकल के आता है वो होता है डार्क ब्लू। अगर निकल के आ गया आसानी से कोई बात नहीं, येल्लो तो आता ही आता है, पीला प्रकाश त्राटक का पार्ट ही है, वो आपको दिखाई देगा। और जब धीरे 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 ये सर्कल आपको एक उगता हुआ सूरज में कन्वर्ट हो जाएगा, कि इसके नीचे से आपको बहुत सारा ऑरेंज कलर का प्रकाश दिखाई देगा, तो अब आपने समझ जाना है कि अब आप एक एडवांस लेवल पर आ गए हैं। और जब त्राटक की स्टेज में आप इस सर्कल को, इस बिंदु को डिसअपीयर करने लग जाते हैं, या फिर ये इधर उधर भागता है, कभी राइट चले जाएगा, कभी लेफ्ट चले जाएगा, तब भी आपको समझना है कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अब अच्छा बन गया है। उस बिंदु को जो भाग रहा है आपसे, उसको फिर आपने वापस से इसी पोजिशन पर जहाँ से आपने इसको देखना शुरू किया था, वहाँ पर आपको इसको लेकर आना है। तो ये सारा एक प्रैक्टिकल समझाने का तरीका है कि किस तरीके से हमें, यानी कि बच्चों को, त्राटक को करना है। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपने 10 मिनट त्राटक को ज़रूर करना है, जिससे कि आपकी जो मेमोरी में जो फंक्शन, जो कमांड जाती है, उससे आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होने लग जाए और आपको अच्छी तरह से सब्जेक्ट को समझ में आ जाए। बहुत दफ़ा देखा गया है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता। जैसे रात में पढ़ा तो सुबह याद नहीं रहता, जब पेपर आता है तो हम कहते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, क्यों नहीं मुझे याद आया। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब जो लोग त्राटक करते हैं ना, उनके साथ ये गलती नहीं होती है, क्योंकि वो जो चीज़ पढ़ते हैं ना, वो दिमाग से नहीं पढ़ते हैं, वो पूरे मन से पढ़ते हैं और उसमें समा जाते हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है तो ये चीज़ आएगी, तो मैं इसको अटैम्प्ट कर लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। 94% माइंड हमारा इन एक्टिव मोड पर रहता है, यानी कि वो काम तो करता है बट हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि जो हमारा 4% माइंड होता है वही एक्टिव रहता है, उसी मेमोरी को हम रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं और वो चीज़ें हमें याद रहने लग जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अरे यार, पुरानी से पुरानी बातें भी एक 80 साल का बंदा याद करता है कि मेरा बचपन ऐसा था, और वो बताता भी बहुत अच्छे से। बट बहुत से लोग होते हैं उनको आज तो क्या, शाम की बात भी याद नहीं रहती, क्योंकि उनका माइंड एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता उनके काम को, वो अटेंशन नहीं देता। तो अपने जो लोग त्राटक को करने लगते हैं ना, वो इसकी पावर्स को समझते हैं कि जो 94% इनएक्टिव था वो भी काम करने लग जाता है, यानी कि ओवरऑल 100% हमारा माइंड काम करता है जब हम त्राटक पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं। कहते हैं जो हमारा शरीर होता है ना, ये पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप सेकेंड स्टेज पर त्राटक की आएंगी, जब आपको कलर्स दिखाई देते हैं, वो इन्हीं पंच तत्वों के कलर्स का सम्मिश्रण होता है जो हमारे सामने निकल के आता है हमारी आईज के थ्रू, और हमारी आईज से जो RGB वेज होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो निकलती हैं। हायर डेंसिटी में पृथ्वी को देखा जाता है, लोअर डेंसिटी में सारे वायु, जल, आकाश, ये सब आते हैं। तो जो पृथ्वी का कलर माना जाता है वो होता है पीला, यानी कि येल्लो, और जल का कलर होता है हरा, वायु का कलर होता है मटमैला, आप ग्रे कह सकते हैं, और अग्नि का कलर होता है लाल।
तो इन सब कलर का जो ये मिश्रण होता है उसे कहते हैं त्राटक का सक्सेस होना। तो इन कलरों को जब आप देखोगे, इन रंगों को जब आप निकलता हुआ देखोगे, तो आप बहुत प्रभावित हो जाओगे कि ये क्या चीज़ है यार, कहाँ से निकलते हैं ये रंग। तभी तो कहते हैं त्राटक जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए ताकत रखता है क्योंकि आप कितना अपना परिश्रम कर रहे हो, कितना अपना डेडिकेशन दे रहे हो, कितने तरीके से आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हो, वो देखा जाता है। तो त्राटक करिए और फिर देखिए कि आपको कैसे हर बात याद रहती है, कैसे आपकी याददाश्त काम करने लग जाती है, कैसे आप उन चीज़ों को भी याद करने लग जाते हो जो आप पहले भूल जाते थे। लोगों की मैथ्स अच्छी हो जाती है, केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है त्राटक को करने से। सच में वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। लोगों को ना त्राटक बहुत मजाक लगता है, कई लोग तो इसको मानते ही नहीं है। तो मैं उन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। नहीं मानते हैं तो ठीक है, मुझे भी पहले लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे त्राटक या फिर मेडिटेशन या फिर मंत्र मेडिटेशन जब हम कराते थे या फिर मैं किसी को गाइडेंस देती थी, तो लोग बोलते थे कि बड़ा चेंज करने आई हो जीवन को लोगों के, देखते हैं कहाँ तक पहुँचोगी। और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि लोग समझते हैं जो लोग बोलते थे कि वो कहाँ पर हैं और मैं कहाँ पर हूँ। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, चाहे आप किसी और के विचारों को ना बदल सकें, खुद के विचारों को ज़रूर बदलिए। खुद पर काम कीजिए, अपने कलर्स को लिखिए, मेंशन करिए। किसी की सही गाइडेंस में अगर आप त्राटक को करेंगे ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। बहुत से लोग सिर्फ वीडियोज़ को देख लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम त्राटक कर लेंगे, हम त्राटक सीख लेंगे। साल दो साल हो जाते हैं, उनको एक हरा रंग तो क्या, एक पीला प्रकाश भी नहीं दिख पाते हैं वो। तो त्राटक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सूर्य त्राटक, मिरर त्राटक, जल त्राटक, बिंदु त्राटक, कैंडल त्राटक यानी कि ज्योति त्राटक। बट जो सबसे एक बेसिक त्राटक माना जाता है, जिससे त्राटक की शुरुआत होती है, वो होता है बिंदु त्राटक। मैं लेकिन फिर भी इसको बेसिक नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने बिंदु त्राटक से ही अपने जीवन को बदलता हुआ देखा है और लोगों के भी जीवन को बदलता हुआ देखा है। तो बेसिक से शुरुआत करते करते हम एक एडवांस लेवल पर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने त्राटक के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई में अपने आप को सोचते हैं कि हम थोड़े से वीक हैं, हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस है, हमें कुछ याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो भी हम भूल जाते हैं, मैथ्स से थोड़ा सा उनको फियर लगता है, केमिस्ट्री से फियर लगता है, चाहते तो है साइंस हिस्ट्री में जाना बट नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले ही डर जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो त्राटक एक बार करके देखिए, त्राटक की क्लासेस लीजिए, आप अपने अंदर सच में ग्रेजुअली चेंजेस को देखोगे और फिर आपको कोई भी चीज़ आसान लगेगी। त्राटक से ना यही बेनिफिट्स हैं, हमारी इंट्यूशन एक्टिव हो जाती है, सिक्स सेंस हमारी अच्छी हो जाती है, किसी को सोचने समझने के लिए हम खुद कैपेबल हो जाते हैं, हमें खुद अपना अच्छा और बुरा समझ में आने लगता है, हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं कि मज़ा आता है कि यार आज भी त्राटक करते हैं। कई लोग तो त्राटक को करे बिना खाना तक नहीं खाते हैं, क्योंकि वो इतना डेडिकेशन उनके अंदर होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं और त्राटक से अपने आप को बदलना चाहते हैं, ज़रूर त्राटक करिए। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके से आपने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया है, तो क्या आप अपने जीवन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करना, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। इसी सोच के साथ मैं आपके लिए हर दिन एक नया कंटेंट जरूर लेकर आती हूँ। बी हैप्पी, स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। नमस्कार।